बहुत झूठ बोलिए पापा से, अब और नहीं। बस एक बार सूरज जी आ जाए दुकान से, फिर पापा को सब बता के इस झूठ का बोझ हल्का कर ले। बहुत हो गया, कब तक मारा छोरा दूसरे के बाप बनने की खुशी में लड्डू बांटता रहेगा। ताबरों का कितना शौक है उसे, दिया तले अंधेरा और ना लाइट दूंगी। आज मैंने बीरनी से इस बारे में साफ साफ बात करनी होगी। क्या हुआ बाबू? चिल्लाने की तो बात है, बाबू सोना बह रहा है, सोना। झाड़ फूक वाले ने बुलाओ के, बावली हो रही है। देखिए ना, दो दिन तक पानी नहीं आने वाला है, तो जो पानी बचा के रखा है वो सोने जैसा ही हुआ ना, वो टंकी से टप टप बह रहा है, वो देखो। हे मारा राम जी, अरे पेप को क्या हो गया? अरे हे मारा राम जी, अरे अगर इसो एक घंटे तक पानी बहते रहे हो ना, तो पूरा पानी खत्म हो जाएगा। अब मैं देख कर आती हूँ। अरे रुक रुक, चतुरी जा, जाकर सूरज या विक्रम ने बुला कर ला। हे मारा राम जी, अब क्या होवेगो रे? अरे अरे मारा राम जी, मारे घुटनों में दर्द ना होता ना, दो छलांग लगा के सीधा टैंकी के पास पहुंच जाता और सब ठीक कर देता। और के करूं, मारे घुटनों की हालत जो ऐसी हुई पड़ी है। अरे बस करो, थे तो अठे ही बैठा रहो, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो 10 दिन तक नहाने ना दूंगी। मारा राम जी, बैठा बैठा बोलता रहो। बाबू ये पानी ऐसे बहता रहा तो मैं नहाऊंगी कैसे? अरे तने नहाने की पड़ी है, अरे अठे घर का काम करना मुश्किल हो जाएगा, अठे जान निकली जा रही है। बाबू बाबू, सूरज भैया तो है नहीं, वो तो दुकान का सामान लेने गए हैं। ना हे मारा राम जी, बाबू बाबू विक्रम सा नहीं है, वो उधारी देने गए हैं। कौन से उधारी लेने चले गए? अरे सबको इसी वक्त काम था के। अरे राम जी, वो मैं देख कर रहा हूँ। अरे रुक बीननी, एक काम कर बीननी, छबी की रे छबी की डायरी में प्लम्बर का नंबर लिखा है, बीननी जाकर फोन कर, जा के जल्दी आए। रे खड़ी क्या है, तू जाती क्यों नहीं? जी बाबू। अरे पानी में तो जा रहे हो रे। बाबू आज हमारे स्कूल में भी यही सिखा है के? कि पानी बहुत कीमती होता है, उसको कभी खर्च नहीं करना चाहिए। ये तो मन्नी बिग बेरो है, अब इन्हें कहीं रोको। हे मारा राम जी, इसमें तो प्लम्बर का नंबर कहीं भी नहीं है। हे मारा राम जी, अरे भीनड़ी ये नंबर मिला के नहीं? बाबू डायरी में तो प्लम्बर का नंबर कहीं नहीं है। अब क्या होगा? बीनड़ी एक काम कर, तू सूरज ने फोन लगा, सूरज बजा रही है, उन्हें बोल के आता आता प्लम्बर ने लेकर आवे और जल्दी करे, टाइम ना लगाए। जी हेलो सूरज जी, घर की टंकी से लगातार पानी बाहर निकल रहा है, आप जल्दी से प्लम्बर को लेकर आइए ना। हाँ
ठीक है? ठीक है संध्या जी, मैं आते हुए प्लम्बर को अपने साथ ले आऊंगा। और हाँ, मुझे आते हुए 20-25 मिनट लग जाएंगे। 20 से 25 मिनट? ठीक है, आप जल्दी से जल्दी आइए। रविंद्रनी, बात हुई क्या सूरज से? भावो, उन्हें आने में 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। अरे भावो, 20-25 मिनट बाद अगर जेठ जी आएंगे, पिलंबर को लाएंगे, ये कब ठीक होगा? ये तो पूरी टैंकी खाली हो जाएगी। भावो, 4-5-6 बार ये बाथरूम जाते हैं, कैसे होगा? अरे थारे माथे पर घड़ा देकर अबारी पैदल गांव भिजवाऊंगी और बोलूंगी कि गांव के कुएं से उठा कर लाए। के होगा, के होगा? अरे चुप कर। अरे राम जी, ये ऐसा क्या हो गया है? बाबू, मैं अजय आ गया हमारा से। अरे इतनी छोटी सी बात है, इतना चिल्ला रहे हो आप लोग, बाहर तक मोहल्ले तक आवाज आ रही है। विक्रम बेटा, चढ़ जा। 2 मिनट में ठीक कर दूंगा इसको मैं ये। जा छोरा, जा जल्दी कर। भाई वैसे तो ऊंचा दिखिए काफी। अरे सोच के रहे हो? चिंता मत करो, 2 मिनट जल्दी कर छोरा, जा। बाबू बाबू, अब आप चिंता को नहीं करो, हमारे बीनर बड़े होशियार है, अब सब ठीक हो जाएगा। भाई डर क्यों लग रहा है? इसे क्या वे मारो छोरा, शाबाश छोरा। भाई जय बजरंग बली। अरे भैया जल्दी खत्म करो ये काम, अब घर जाऊं। हुए तो बहुत ऊंचा है, है? नीचे से तो ठीक ठाक लग रहा था। रे रुक क्यों गया रे छोरा? रे बाबू, ये नीचे से तो ठीक ठाक लग रहा था, यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि सीधा ऊपर जाऊंगा। रे डरे मत, हिम्मत कर। कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ। आगे बढ़, आगे बढ़। रे बाबू, डर लग रहा है। रे छोरा, हिम्मत कर, हारे हुए सिपाही की तरह बहाना ना कर। हैं? के दुश्मना की मूछ है इसलिए ना लड़ूंगा। अरे हारा वो सिपाही नहीं हूँ भाबो, एक हाथ देखो इतना लंबा है ना, ये 2 हाथ के बराबर पहुँचना है वहाँ पे। ए जी, मारे पतियो, मारे बीन, उतरो, कर दो पानी बंद। रे भैयो, फिर बोले जा रही है नीचे से, ऊपर से आके देख कितना डर लग रहा है। तो घबरा क्यों रहे हैं ये? नाक ना कटवा दे मारी। अरे कोशिश कर छोरा, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी रे। नीचे नीचे के चक्कर में ऊपर ही ना पहुंच जाए विक्रम। अरे बाप रे, ए भगवान बचा ले, बचा ले, बचा ले, बचा ले। अरे भगवान बचा, अरे भगवान कुछ नहीं होगा। क्या करने आ गया तू? क्यों हुआ बेटा? अरे भाई मारे से नहीं होगा ये सब। अरे क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो रे छोरा? अरे पानी को नहीं बचेगा, एक बूंद को नहीं बचेगी। रे छोरा जल्दी कर, नाटक मना करे। मारे से नहीं होगा ये सब, कोई हीरो वाला काम नहीं है। यहाँ से ऊपर आके नीचे देखो। तो नीचे हो, थारो माथो ही फोड़ूंगी। डर लग रहा है, डर लग रहा है, फिर चढ़े हो क्यों ऊपर? अरे भाई प्लम्बर बुला लो, प्लम्बर। अरे मना है, अरे पानी बंद कर कर आए। ए, ये शेर के घर में कहां चूहा पैदा हो गया? अरे तुम नीचे आ रहे? रे भाई मारे से ना होगा ये सब। ये उतर गए भैया, साड़ियां भी बेचनी है, ये सब मारा काम ना है। मर मरा गया, साड़ी कौन बेचेगा? बाबू मुझसे नहीं होगा।
भैया ये मैंने ना गोंदर आटे से मिलकर बनाया, आप इसे ऊपर पाइप पे लगा देंगे ना तो पानी आना रुक जाएगा, ये लीजिए। अरे भाभी पहली बात तो ये है कि पाइप तक हाथ ही नहीं पहुंच रहा, दूसरी बात ये कि मजाक की बात नहीं है ऊपर चढ़ना, और भाभी तीसरी बात ये कि जरा सा भी पैर ऊपर नीचे हो गया ना तुम्हारी जिंदगी ऊपर नीचे हो जाएगी। नहीं 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 नहीं। और मैं नहीं चाहता कि मारा टावर कल को ये बोले कि पिताजी मजाक में पानी के चक्कर में निकल लिए। नहीं भाभी मारे से ये सब नहीं होगा। अरे बेटा बिंदरी ने गोल लाया तो चिपकाने के लिए जाना बेटा वहां पर। हो गया काम तमाम, अब एक बूंद भी ना बचेगी, फिर मांगो मारे से पानी दियो पानी। अरे 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 कटे चली, अरे घर में मारी कोई सुने ही कोनी, अरे कटे जा रही है। पर भारी कौन सुने घर में। अरे बिंदी, अरे सब बात कर जाए। अब बिंदी संभल के बेटा। ये करी जा रही है ये मारा राम जी अपना चढ़े। बड़ी फुर्ती ली है चढ़ भी पहुंच गई। भाबो फालतू में मारे को गिलहरी कहती है, असली गिलहरी तो ये है। अरे भाभी टंकी बहुत ऊंची है, नीचे आ जाओ, मुझसे बिना हुआ आपसे क्या होगा। भगवान नीचे मत देखो। बहुत अच्छे भाभी, देखा भावो ये है मेरी भाभी। चुप कर, ये है हमारी बीवी।
बहुत अच्छे भाभी साहब। रवैया कमाल करती हैं भाभी जी। आज बड़ी मुसीबत से बचा लिया तूने। इंसान अगर ठान लेवे ना तो धक्का मार मार कर पहाड़ ने भी टेढ़ो कर सके। बस ईमानदारी से कोशिश करने की जरूरत है। जाकर कपड़ा बदल ले नहीं तो सर्दी लग जाएगी। वैसे मैं भी पेट से ना होती तो मैं भी फटफट चढ़ जाती। बड़ी ऊंची थी। बेननी अहियां करेगी ना तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। जरा जल्दी जल्दी किया कर। आइए भाई जी। भाई जी वो देखिए पानी की टंकी। तो बहुत ऊपर है, बहुत दिक्कत होगा बनाने में। बन जाएगा लेकिन 1000 रुपए लगेगा। 1000 रुपए? हाँ। क्या बात कर रहे हैं आप? कितनी बार टंकी की सफाई करवाई है, काम करवाया है, आप 200 ले लो ना। देखिए भाई साहब, अगर 200 वाला प्लम्बर आपको चाहिए ना तो ढूंढ लीजिए, अगर हमसे काम कराना है तो हम तो 1000 रुपए लेंगे। 1000 रुपए बनवाना तो बोले, नहीं तो हम चलते हैं फिर। ए छोरा, अकाल पड़ता देख रेवड़ियों के दाम भी बढ़ा दिए। हाँ जठे पता चल गया क्या? 2 दिन तक पानी नहीं आने वाला है तो मजदूरी भी 5 गुना कर दी है। छोटी किस्मत था जिस काम के तू 1000 रुपए मांग रहा है ना, वो तुम्हारी बीनड़ी ने बिना पिसाई कर दिया है। जा, अब थारे 1000 रुपए ना रोते रोते याद करते जा। आज के बाद हनुमान गली में कदर भी काम ना मिलेगा तुझे। 1000 रुपया ले। भाई जी रुको, मैं क्या कह रहा था बाबू, अरे टंकी का पानी संध्या ने रोक दिया हो पर फिर भी हमें ये काम प्लम्बर से करवा लेना चाहिए। जाने कल फिर से नहीं। मैंने खुद देखा है, बीनड़ी ने ना जोड़ मजबूत लगाया है। अरे अगले 2-3 साल तक कुछ ना होगा। हाँ बाबू अभी संध्या जी से बहुत खुश है तो शायद यही सही वक्त है बाबू से संध्या जी की पढ़ाई के बारे में बात करने का। शायद इस वक्त वो मान जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।